Hello everyone, I'm Priya from Vibrant International Academy and today we'll study a poem for class 10th from the Force Flight Book. This is poem number 1 Dust of Snow written by Robert Frost. In this poem the writer is talking about the dust of snow. Yahamper Dust Kamatla Mitina Iskamatla vi kisi ko charna.

इसलिए इसे सैडनेस के साथ में डार्कनेस के साथ में लिंक किया जाता है लिंक्ड विद सैडनेस एंड इज कंसिडर एज बैड ओमेन तो यहां पर जो सीन पोइट क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज का है डिस्पेयर का सैडनेस का डार्कनेस का अनहैपीनेस का वो कहते हैं एक क्रो था जो कि हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और ट्री के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई थी वो क्रो की मूवमेंट की वजह से हिली और नीचे खड़े हुए पोइट के ऊपर छड़कर गिरी सो ही फ्रॉम हेमलॉक ट्री अब क्रो ने कैसी मूवमेंट करी दैट इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द पोएट बट मूवमेंट ऑफ द क्रो द हेमलॉक ट्री डस्ट होकर पोएट पर गिरी एंड फ्रॉम दैट वॉट है सेकेंड स्टें बट बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेंस दीम एंड इज एबी लाइन वन एंड लाइन थ्री के जो लास्ट वर्ड है उसमें राइमिंग है लाइन टू एंड लाइन फोर के जो लास्ट वर्ड है अगेन उसमें भी राइमिंग है सो द राइम स्कीम इज एबी ए Crow and snow are rhyming words. Me and tree are rhyming words. Now, we move on to the next stanza. The poet says, Has given my heart a change of mood and saved some part of a tree. I had rune. Now, rune means held in regret. Regret means kisi cheez ka hona.

Well, this is me, Priya, signing off. Bye-bye.